हरबोड़ा नदी घाट पर समाज सेवियों ने चलाया सफाई अभियान। अयोध्या में श्री रामलला के स्थापित होने और में 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नरकटियागंज नगर के चीनी मिल छठिया घाट पर समाज सेवियों द्वारा 1100 दीप जलाकर गंगा आरती की जाएगी। नदी घाट पर साफ सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। समाज सेवी संतोष राज, राजेश जायसवाल, उप सभापति पूनम देवी, जूही यास्मीन, हरिशंकर प्रसाद, रामेश्वर सराफ, मुकुल गुप्ता, पार्षद डॉक्टर एके सिंह, कृष्णा पासवान, केतन कुमार, सोनू दास, कुणाल जायसवाल, विकास तिवारी, प्रियेश चतुर्वेदी, सन्नी गुप्ता, राकेश जायसवाल आदि ने एक साथ मिलकर नदी घाट की सफाई की। उन्होंने बताया कि चीनी मिल हरबोड़ा नदी घाट पर 1100 दीप जलाकर गंगा आरती का आयोजन होगा। गंगा आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। नगर के महिला पुरुष श्रद्धालुओं को आमंत्रण भेजा जा रहा है। आज हम लोग यहाँ सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हम इस मुक्ति धाम को व्यवस्थित करने वाले राजेश जायसवाल जी और संतोष राज जी को। एक आह्वान हुआ है कि पूरे शहर को, पूरे धार्मिक स्थान को हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। ये भी मुक्ति स्थान है। इन लोगों के प्रयास से हम लोगों ने यहाँ भी साफ सफाई किया है। और ये संदेश सब लोगों के लिए हम लोगों का है कि सारे जगह इसी तरह साफ सफाई करें और भगवान राम लला का जो 22 तरह को अथी हो रहा है उसमें सफलता हम लोगों को। जय मुक्ति धाम पर चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य उद्देश्य है कि नगर परिषद क्षेत्र में हम लोग आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। किसी तरह स्वच्छता अभियान 22 तारीख को जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो रामलला का जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसी के अवसर पर पूरे देश में जो सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसी के तहत हम लोग आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने गली मोहल्ले, अपने अगल बगल के मंदिर में साफ सफाई करके उस दिन दिया जलाएं और इस पर्व को एकदम धूमधाम से मनाएं। 22 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। 22 तारीख को हमारे रामलला टेंट से निकल कर जाएंगे, अपने भवन में, भव्य मंदिर में जाएंगे। उनके स्वागत में कम हर घर में दीप तो जलना ही चाहिए। और मैं खास करके पूरे नगर परिषद की महिलाओं से अपील करूंगी कि उस दिन जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो उस दिन उपवास रखें। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसी उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें और दीप जलाएं। अपने अगल बगल में जो मंदिर है, अपने घर की भी सफाई करें, मंदिर की भी सफाई करें और पूजा अर्चना अपने घर पे करें, हर मंदिर में करें। मेरी यही यहाँ की जनता से अपील है। पूनम देवी, उप सभापति नगर परिषद नरकटियागंज की ओर से पूरे नगर की जनता को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। यहाँ जितने उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत है। आज हम लोग मुक्ति धाम नरकटियागंज के मुक्ति धाम छठ पूजा के स्थान पर उपस्थित हैं। हम लोग यही संकल्प लिए हैं कि यह सफाई अभियान चल रहा है कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के इति में यह सफाई अभियान चल रहा है। मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं उनका संकल्प पूरा हो रहा है। यही नगर वासियों से प्रार्थना है कि वह पूरे जितने भी मंदिर हैं, स्थानीय स्थल है, वहां साफ सुथरा रखें, वहां दीप जलाएं। सब मीडिया बंधुओं का अभिनंदन है कि वो लोग हम लोग का संदेश यहां से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। धन्यवाद।